हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 894 उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की, कब इसके एग्जाम हो सकते हैं। फाइनली अभी मैं कुछ ऐसी ही रेंडमली जो है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर था, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर जानने को मिली, वो ये कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉर्म हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जो फॉर्म है उसके करेक्शन की लिंक जो है कि एक्टिव होने के बहुत चांसेस हैं। आपको आफ्टरनून या फिर इवनिंग तक जो है इस लिंक के एक्टिव होने के चांसेस मिल जाएंगे। अभी ये बीटा वर्जन में है, ठीक है। अभी मैं उस लिंक पे ले जाता हूँ आपको। देख सकते हैं फ्रेंड, ये लिंक है जहाँ से आपको जो है अपने फॉर्म में करेक्शन करना होगा, ठीक है। मॉर्निंग तक ये लिंक एक्टिव था, यानी कि मैं जब इस पर लॉगिन किया तो वहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है। आई होप कि इसमें कुछ टेस्टिंग चल रही होगी, लेकिन आपको शाम तक या फिर आफ्टरनून और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉर्म है करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, जो आपको अपने OTR पे सीधे जाके दिखाई देगा। हिस्ट्री आपकी, जो आपने अब तक फॉर्म भरे होंगे या फिर ऑलरेडी आपने भरे होंगे, तो वहीं पर आपको जो है फॉरेस्ट गार्ड का ऑप्शन भी दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि जुलाई में जो है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये लगभग लगभग अब कन्फर्म हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपको जो है फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा होते हुए दिखाई देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत होगा तो जुलाई के एंड तक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये करेक्शन लिंक जो है बहुत जल्द एक्टिव हो जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि आयोग कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। बाकी अगर कभी भी ये एक्टिव होगा जैसी आफ्टरनून या इवनिंग में, तो मैं आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, आप भी जो है इस लिंक को रेगुलर चेक करते रहिएगा।